दोस्तों इस वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूँ। भाई साहब नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र सिंह जी, बहुत ही नायाब नस्ल लेके खड़े हैं आप, क्या है थोड़ा डिटेल बताइए मेरे को। ये हमदान का बच्चा है, डायरेक्ट हमदान का बच्चा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पेडिग्री वाला बच्चा है? पेडिग्री वाला लाइन वाला बच्चा है, लाइन वाला, ब्लड लाइन वाला बच्चा है। कहाँ से लिए थे ये? शहीद गोट फार्म गुजरात से मंगवाया था। ये दो महीने का बच्चा आया था। हाँ जी। अच्छा, उस समय आप लाए थे तब क्या क्या इसमें खासियत देखी थी आपने? इसके कान, इसकी आँख। कितने कान थे उस टाइम? उस टाइम में इसके 14 इंच कान थे। 14 इंच के कान थे। हाथ हटाइए, आप हाथ हटा दीजिए, वो गले की यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ खाएगा, रुकेगा नहीं। दोस्तों मैं देखो आपको क्वालिटी दिखा रहा हूँ। ये भाई जो है ब्यावर के पास है, कहाँ है हम प्रॉपर ये बताओ? ये ब्यावर सेंदड़ा, ब्यावर के पास सेंदड़ा है। सेंदड़ा है, ब्यावर से छोड़ दीजिए, इसको परेशान मत करो। ब्यावर से 10 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। हाँ हाँ, JPM गोट फार्म ब्यावर। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, बकरे को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। दोस्तों JPM गोट फार्म है, ब्यावर के पास सेंदड़ा के अंदर, है ना? हाँ जी। ये लो भाई, खूबसूरती अगर आप देखना चाहते हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। देखो भाई ये क्वालिटी, और अपने मेरे निवास से एटलीस्ट मान के चलिए 30 किलोमीटर की दूरी होगी ना? हाँ जी, 30 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी नहीं है। कब से कर रहे हैं बकरी पालन? ये 4 साल हो गए सर। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल पहले कैसे शुरुआत हुई थी? 4 साल पहले मैंने सोजत बकरियों से स्टार्ट किया था और बिल्कुल डाउन क्वालिटी में बकरियाँ थी। अब क्या है कि गुलाबीपन में काम कर रहे हैं और अब पेडिग्री लाइन, पेडिग्री लाइन पे, लाइन पे आ गए हैं। अब देखो क्या है कि दोस्तों मैं ये बताता हूँ, अपनी बात कितने साल पहले हुई थी? अपनी बात हुई थी 2 साल पहले। 2 साल पहले उस समय मेरे कितने सब्सक्राइबर थे, ये बात करते चला अंदर चला। उस समय आपके 5000 सब्सक्राइबर थे। मैंने फोन किया, लगातार आपका वीडियो देखता हूँ और मैंने फोन भी किया था आपको, तो 5000 सब्सक्राइबर थे। उस समय मैंने देखा आपके पास वो ब्लैक चमड़ी के अंदर जो है वो बकरियाँ थी, ब्लैक चमड़ी के अंदर बकरियाँ थी, और देख सकते हो ये। हाँ ये रखो ना, ये अभी दूसरे ब्रीडर की, प्यार से दिखाओ, ये क्वालिटी है, ये दूसरे ब्रीडर की, उसकी उससे अभी क्रॉसिंग नहीं हुई ना? उससे अभी क्रॉसिंग नहीं हुई, अगली बार उससे लेंगे। अभी इसको यहाँ से छोड़ दीजिए, आराम से पकड़िए ना इसको, आराम से दिखता रहे बस। ये मेल है या फीमेल है? ये फीमेल है। फीमेल है ना, ये एक फीमेल रुकी है, बाकी सारी बिक गई है। ये मेरे को समझ नहीं आया कैसे बिक जाती है ये सारा माल, यहाँ से सोल्ड आउट हो जाता है। गुलाबीपन देख के सारी बकरियाँ और बच्चे सारे ले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि गुलाबी की डिमांड तो है, गुलाबी की डिमांड है। और फिर तुम जो है ब्लैक चमड़ी से सीधा गुलाबी पे, गुलाबी पे आ गए, वो सारी बकरियां सेल कर दी, सारी बकरियां जो मेरे को आप चराते हुए दिखा रहे थे जंगलों में, सेल हो गई थी, है ना? मैं इनके पास आ नहीं पाया दोस्तों, देखो अपने घर के पास है लेकिन क्या है कि, और यहाँ से मैं हमेशा निकलता रहता हूँ, लेकिन आज क्या है कि ये मार्केट में कहीं जा रहे थे, फिर हमको मिल गए, तो फिर हमने बातचीत की और आपके पास हम आ गए। ये देखिए भाई पूरी हैदराबादी, कितना हैदराबादी चाहिए। ये कहाँ से लाए थे फिर? ये लोकनवाड़ा गोट, अहमदाबाद से लोकनवाड़ा गोट फार्म है, वहाँ से। मतलब एक एक नया चीज नामचीन फार्म से लेके आया था। हाँ हाँ हाँ, उस बच्चे का 75,000 रुपये दिया था, 75 ज़्यादा दिया था वो तो मैं नहीं बता सकता, तो ज्यादा भी हो सकता, कम भी हो सकता। 2 महीने का बच्चा लाया, 2 महीने का बच्चा था। और इस बकरी का कितना दिया ये तो बताओ ना भाई। ये देखो, ये खरीदी थी 50 में, 50,000 में। अब लोग बोलते हैं 10,000 में, 12,000 में, 10-12,000 में क्वालिटी वाली बकरियां नहीं मिलती है दोस्तों। और ये देखो, ये 50 में मैंने खरीदी थी, आज मैं 1,00,000 रुपए दे तो भी नहीं देऊ, नहीं दोगे? नहीं दे। अच्छा ये बच्चे, इसकी बच्ची 35,000 में दे रहे थे, हाँ ये वाली, मैंने नहीं दिया इसको, ये मैंने कहा एक तो गर्भ के लिए रखनी है, और ये बच्चा तो सेल हो गया। एक बच्चा बचा, बाकी आप देख सकते हो बिल्कुल भी बच्चे नहीं है। कितने में हुआ ये? 15,000 में सेल हो गया। कितने बच्चे हुए थे अपने फार्म पे? अपने पास 12-13 बच्चे आते हैं सर, वो सेल हो गए। फीमेल तो रखनी चाहिए थी, मैंने फीमेल, आपकी बात सही है, फीमेल एक भी रोकते नहीं, रेट ज्यादा देते हैं तो ले जाते नहीं। हाँ रेट भी अपना कम ही रहता है, और आते हैं और यहाँ से ले जाते हैं, और बोले एक देनी है तो मतलब जज करके ले जाते। क्या है कि ये बिल्कुल पहले बाहर कमाते थे ना? हाँ पहले मैं कहाँ थे? पहले मैं मानेसर गुजरात, या सॉरी दिल्ली में मानेसर है, वहाँ पे मारुति सूज की कंपनी है, वहाँ पे जॉब करता था। जॉब करते थे वहाँ, एग्रीमेंट से था, तो 7-8 महीने रखते, फिर 2-3 बार गया था वहाँ पे, एग्रीमेंट से बुलाते थे, फिर मैं वहाँ से यहाँ आ गया, और फिर वहाँ गया, 30,000 पेमेंट था।
30,000 मेरे को कौन देवे यहाँ, यहाँ तो कोई नहीं। इसलिए मैंने कहा भाई अपने को तो बकरी पालन करना है, तो बकरी पालन पे मेरे को इंटरेस्ट था पहले से, तो मैं वीडियो देखता रहता था यूट्यूब के माध्यम से, फिर धीरे धीरे मैंने बकरी लाए यहाँ पे ना। अच्छा हाँ, मेरे को ये बकरी दिखाओ भाई, ये क्या स्पेशल है एक बार को, ये बकरी देखो भाई दोस्तों, बिल्कुल गुलाबी के अंदर, कहाँ से लाए ये? ये पालनपुर से अजवा गोट फार्म है। यहाँ से कुछ भी नहीं लाए? नहीं नहीं, यहाँ बाहर की बकरियाँ हैं, और धीरे 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 एक एक वहाँ पे भी नहीं मिलती है, मैं तो धीरे धीरे कलेक्ट करके लेके आया था। अच्छा, घूम घूम के भाई, क्या वहाँ से भी मेरे को कॉल आ रहे हैं, अहमदाबाद से बहुत सारे। ये बताओ भाई, ये देखो भाई, बहुत बढ़िया, ये इसकी बच्ची है? ये इसका बच्चा है, मेल है ना, ये बिक गया, सेल हो गया। हाँ ठीक है, और भी बकरियां हम देखेंगे, ये अपने सोजत की है, ये भी हाँ, ये दो बड़ी फ्रेम की बकरी है। हाँ हाँ हाँ, अरे इसके पीछे आ गया ना ये। हाँ ये भगवान सिंह जी पाचुंडा से लेके आए ना, वहाँ से लेके आए। क्या रेट में मिल गई थी? देखो ये 35,000 में मैं लेके आया था। पीछे बच्चे थे इसके? बच्चे थे, दो बच्चे साथ में थे ना। उस टाइम में मेरे को लगा कि बहुत महंगी लेके आया था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कोई महंगी नहीं है। दो बच्चे दे रही है, फिर गुलाबी बच्चे आ रहे हैं ना 35,000 में, तो इसके बच्चे ये लेके आया था। हाँ ये वाली ना। हाँ ये, और एक इसके साथ की थी, वो बिक गई ना, वो 50,000 में मैंने सेल कर दी। हाँ जी, तो ओवरऑल बकरियाँ आपने बहुत कम रखी, कितनी है ये? क्वालिटी में बकरियाँ रखता हूँ मैं, कचरा माल नहीं रखता ना। क्वालिटी की बकरियाँ रखता हूँ, क्योंकि खिलाई पिलाई तो वही करनी है, कचरा माल पे करो चाहे क्वालिटी पे करो, खाएगी तो वो बराबर ही सही है, और प्रॉफिट नहीं देगी तो क्या मतलब फिर। अच्छा अच्छा, और ये ब्रीडर बताओ मेरे को। ये ब्रीडर है, आराम से खड़ा रखना तो बस। इसका नाम चेतक है। चेतक है इसका। और इसके बच्चे ये 3 साल से मेरे पास में है। हाँ हाँ, इसके बच्चा, बस एक बच्ची रुकी है अभी, बच्चे रुकते नहीं। छोड़ दो ब्रीडर को, पूरे गुलाबी में बच्चे देता है। गुलाबी में ये ब्रीडर बच्चे देता है। हाँ जी, 6 दांत हो चुका है इसका। हाँ 6 दांत है ना। हाँ। और वजन भी इसका अच्छा खासा 80 के करीब। हाँ, 80 प्लस है, 80 प्लस भी हो सकता है। और देखो एवरेज बता रहा है, तोला तो नहीं। अब ये बताओ ना, क्या हुआ कि जब जॉब छोड़ी थी जी, तो उसके बाद में बकरी पालन को लेके आप थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं जी, और अब आप प्रॉपर धंधा यही कर रहे हैं, काम यही है अपना, बकरी पालन पूरा इसी पे डिपेंड। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि बकरियाँ तो कम है, तो फिर बकरियाँ बढ़ाएंगे? हाँ अभी बकरियाँ जारी है, अभी पूरा रियल हैदराबादी पे मतलब काम होगा अपना। क्यों हैदराबादी में क्यों कर रहे हो, क्या कारण है भाई? हैदराबादी में क्या है कि पेमेंट भी अच्छा मिल जाता है, और शौक वाले लोग ले जाते हैं, शौक वाले लोग जो हैं वो लेके जाते हैं। देखो ईद पर्पस के लिए कोई लोग मांगते हैं, तो वो हैदराबादी की डिमांड करता हूँ, तो लोग बोलते हैं 8-10 हज़ार में चाहिए, वो ऐसे बच्चे मेरे पास नहीं मिलेंगे, 8-10 हज़ार वाले नहीं मिलेंगे। ये बच्चा भी 15 में गया है ना? ये बच्चा भी 15 हज़ार से कम बच्चा बिकता ही नहीं अपने। अब बकरियाँ बढ़ाओगे या क्या करोगे? नहीं, अब तो टारगेट अपना 50 बकरी का रहेगा, 50 बकरी मादा फीमेल रखेंगे, बड़ी फीमेल, 50 फीमेल आप रखेंगे, और 2-3 ब्रीडर रखेंगे। अच्छा, आप फिर जब बकरी लेने यहाँ आते हैं लोग, फिर आप उनको अगर यहाँ नहीं होता है, तो फिर वो क्या घूम के दिलाएंगे कहीं से? हाँ मैं दिला भी दूंगा, पर लेकिन मेरे फार्म पे नहीं लाऊंगा, कोई बंदा आता है उनके साथ में चलूंगा। बकरी अपने फार्म पे नहीं लाएंगे? अपने फार्म पे नहीं लाऊंगा, क्योंकि पता नहीं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ आने के बाद में क्या समस्या आ जाती है। मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं कोई बंदा आता है तो मैं दिला देता हूँ किसी फार्म। ट्रेडिंग नहीं करते? ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, लेकिन आता है तो मैं दिला देता हूँ। मेरे संपर्क में करीबन 30-35 फार्म मेरे पास हैं, मेरे संपर्क में है, और मैं आते हैं बंदे मेरे पास। कहाँ कहाँ माल गया है? माल सर अपना राजस्थान, तो पूरा राजस्थान में गया है, और यहाँ हरियाणा गया है, अच्छा अच्छा, अहमदाबाद गया वापस माल, और इधर हरियाणा दिल्ली तक माल गया अपना, दिल्ली तक मतलब जहाँ से भी लोग आते हैं, मैं डिलीवरी कहीं देने नहीं जाता हूँ। इस बच्ची को हाथ में लीजिए ना, थोड़ा एक फ़ोटो भी आ जाएगा। ये देखो भाई क्वालिटी आप समझ सकते हैं, ये भाई जो हैं 4 साल हो गए इनको फार्म करते हुए, और क्वालिटी में काम कर रहे हैं। क्वालिटी का आइडिया कैसा आया भाई साहब? ये रख दीजिए आप इसके नीचे, आइडिया पूछेंगे भाई, क्वालिटी का दिमाग में क्यों आया? आप तो कर ही रहे थे फार्मिंग, तो क्वालिटी का दिमाग में ऐसे आया था, पहले मैंने सोजत की बकरियाँ लेके आया था, तो सोजत की बकरियाँ लेके आया था, मैंने देखा भाई 10,000-15,000 में बिक जाएगा माल, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया। तो बकरियाँ थकी हुई भी लाए होंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ना, क्योंकि नए थे आप तो। गड़बड़ हुई थी, तो फिर वो बच्चे बिके नहीं, बकरियाँ तो मेरे यहाँ बीमार नहीं हुई, क्योंकि मैं तो पहले से ही करते थे, तो वो गांव वाले हैं भाई, अपन संभाल लेते हैं, गांव के हैं, तो फिर वो बीमार तो हो ही नहीं, पूरा जानकारी तो थी, लेकिन माल उस रेट में नहीं बिका जिस रेट में बिकना चाहिए था। अब तो बिक रहा है, अब माल
प्रॉपर रेट में बिक रहा है, एक भी आप देख सकते हो एक। अच्छा ये मेरे को बताओ ना, कोई नया व्यक्ति जो है अपने ज्यादा देखने वाले जो नए फार्मर है, हाँ जी हाँ जी, ज्यादातर क्या है लोग क्या देखते हैं कि भाई ज्यादा वीडियो देखने वाले भी वही हैं जिनको नया फार्म करना है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको क्या राय देना चाहोगे, कितनी बकरी रखनी चाहिए, कितनी बकरी से वो प्रॉफिट कमा सकता है और कैसी बकरी कहाँ से लानी चाहिए? देखो मैं तो सजेशन यही देना चाहता हूँ, अगर बजट कम है अपने पास और टाइम है तो आप ऐसी पट्टे ले लो। सही है। 10-12 हज़ार 15 हज़ार तक पट्टे मिल जाती है, 1-1.5 लाख रुपए लगता है। पट्टे तैयार कर लो और ब्रीडर पहले मत लो। अच्छा। पट्टे तैयार कर लो, 12 महीने की जब पट्टे हो जाए उसके बाद में डायरेक्ट ब्रीडर लेके आओ बड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ा ब्रीडर लेके छोड़ दो, ब्रीडर रखना ही नहीं है फार्म। ब्रीडर रखना ही नहीं, क्यों रखेंगे तो बकरियां हिट में आएगी, हिट में आएगी तो पहले क्रॉस हो जाएगी। पहले क्रॉस, ब्रीडर रखना ही नहीं, ब्रीडर बड़ा लेके आना है और क्रॉस। खिलाने पिलाने का क्या सिस्टम रहता है अभी अपने यहाँ? खिलाने का अपने यहाँ रिचका बोर का है, उसको अल्फा अल्फा बोलते हैं, वो रिचका डाल देते हैं दिन को, सुबह सुबह फलगट डालते हैं और शाम के टाइम में थोड़ी हरी पत्ती और जोड़ देते हैं बस। हाँ, इतना सा काम है दोस्तों, इतना आसान काम है बकरी पालन करना, लेकिन उसको समझोगे तो आसान है और नहीं समझोगे तो कोई आसान नहीं है, क्योंकि साफ सफाई भी रखना बड़ा जरूरी है। हाँ, ये क्या बनाया आपने? बिल्कुल, इसके बारे में बताओ मेरे को। ये तख्ते हैं, पर्सनली बनवा दिए? ये पर्सनल बनवाए थे। अच्छा, ये मतलब लकड़ी लेके? लकड़ी उन्हीं की थी, मैं गया था लकड़ी वाली दुकान पे और मैंने यूट्यूब पे देख के, वो क्या हैदराबाद में वो ऐसे लगाते हैं ना, तो इस हिसाब से देख के मैंने कहा यार अपने भी बनवा देते हैं। तो क्या कि बकरियां देख सकते हो गंदी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल वाइट दिख रही है आपको, क्योंकि मूत में नहीं रहती है। अब इतना बाथरूम वगैरह वो करती है तो नीचे निकल जाता है? नीचे निकल जाता है। इसको ऊपर कर दिया आपने ना? दिन के टाइम में ऊपर कर देते हैं और रात के टाइम में बिछा देते हैं। ये अंदर क्या है? ये तो थोड़ी बीमार है, तो बीमार के लिए हॉस्पिटल? बीमार नहीं है, इसके क्या हुआ देखो दोस्तों, इसके इंजेक्शन लगा हुआ आप देख। इंजेक्शन लगा रखा है, कोई डॉक्टर गलत इंजेक्शन लगा दिया है। अच्छा, तो इसी वजह से बहुत बढ़िया है बकरी, एक नंबर क्वालिटी की थी। छोड़ो मत, वो ये गैबिन है, गैबिन भी है। हाँ, तब क्या बोला भाई, इसको बेच भी नहीं सकते और न अब क्या करे। अब डॉक्टर बोला भाई सही हो जाएगी, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, चल रहा ना ठीक। और अब क्या है कि मैं तो डॉक्टर को बुलाता नहीं हूँ बिल्कुल भी। अच्छा, वो अनजान डॉक्टर था, मैंने कहा यार इसको पेट दर्द कर रहा था तो वो इंजेक्शन लगा दिया यहाँ पे, लापरवाही होगी, लापरवाही होगी। अब ऐसे ऐसे डॉक्टरों को भी नहीं बुलाना अपने फार्म पे, कोई बढ़िया डॉक्टर हो उसी को बुलावे। देखो भाई सीख भी मिल गई है इस फार्म से। ये भाई जो है, मैंने बकरी अंदर देखी तो पूछा भाई कि क्या हुआ इसको, और ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखो क्या है कि ये हम लोग जो हैं बकरियों पे काम करते हैं, किसान बकरियां पालना चाहते हैं और अपने से जुड़े हुए लोग वो बकरियां रखते हैं। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताना भाई साहब, एक बार नाम पूरा बताइए वापस। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी। मैं JPM गोट फार्म ब्यावर से हूँ, ब्यावर से अपना 10 किलोमीटर। आप तो ब्यावर आके फोन कर दीजिएगा ना। हाँ, ब्यावर आके मेरे को कॉल कर सकता है, मैं लोकेशन डाल दूंगा, आप सीधा फार्म पे आ जाओ। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा एक तो कमेंट करके बताओ, किसान कैसे लगे ये भाई साहब इनके बारे में बताओ मेरे को, इनकी लोकेशन आपको मिल गई है। पहले से जो बंदे जानते हैं हाँ, वो भी कमेंट करना जरूर, वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा भाई साहब को। देखो भाई साहब बहुत मेहनती आदमी है और इनसे मेरी मुलाकात आज हुई है, ऐसे हम वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं, लेकिन क्या है कि मिलना कभी कभार होता है। मैं भी अपने काम में लगा रहता हूँ, ये भी अपने काम में लगे रहते हैं। आज बकरी फार्म का काम था तो हम लोग वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आ गए और हम रोड पे हाईवे पे मिले थे अभी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मेरा एक दूसरा चैनल EGP Shorts है, जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।